खबर बड़वानी से। नर्मदा नदी किनारे मिली 15 वर्षीय किशोरी की लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 16 अप्रैल को लापता थी किशोरी। परिजन बोले, ईमानदारी से की जाए मामले की जांच। बड़वानी जिला मुख्यालय से लगे कसरावद में नर्मदा नदी के किनारे एक 15 वर्षीय किशोरी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी निसरपुर की रहने वाली है और 16 अप्रैल से किशोरी लापता थी। निसरपुर थाने में परिजनों द्वारा किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। वहीं परिजनों का कहना है कि बालिका की हत्या की गई है और उसे नर्मदा नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल बड़वानी शहर कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम किया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वह लड़की के परिजनों का कहना है कि ईमानदारी से मामले की जांच की जाना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? राजन पाटीदार। ये बालिका का शव मिला है, क्या पूरा घटना है? ये बालिका 16 तारीख की सुबह लापता पाई गई घर वालों को। उसके बाद में हमारे स्तर से इसकी जांच पड़ताल करी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। फिर हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। उसमें 2-3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, उसमें से किसी एक ने अपना गुनाह कबूल किया है और उसी ने घटनास्थल पर लाकर ये बताया है कि नर्मदा नदी में उसके साथ में आकर कसरावद पुल से नर्मदा नदी में लड़की को धकेला गया है। क्या लड़की लापता भी थी? क्या लापता थी, इसीलिए तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई ना। आरोपी ने क्या कबूल करा है या सुसाइड होने की बात है? ये स्पष्ट हमारे पास अभी नहीं है। मौखिक रूप से पुलिस वालों ने हमको ऐसा बताया है कि उसने गुनाह कबूल किया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। लड़की को न्याय मिलना चाहिए। सारा गांव में, मतलब पूरे गांव में रोष व्याप्त है, है ना? तो हम ये चाहेंगे कि उसकी ईमानदारी से जांच हो, लड़की को न्याय मिले। पीएम के लिए आपने कोई मांग की है क्या? पीएम के लिए मांग की है, उसमें डॉक्टरों का दल उसका पीएम करेगा, है ना? लड़की नाबालिग थी, इसलिए मामला ज़्यादा ही सेंसिटिव माना जाना चाहिए। अभी आपने कोई आवेदन पुलिस थाने पर दिया है? यहाँ पर अभी कायमी की जा रही है और हाँ, मर्ग कायम किया जा रहा है और उसके बाद में फिर ये लोग अभी पीएम करेंगे, फिर लाश की सुपुर्दगी होगी। सर बालिका को लाए? हाँ, कल नर्मदा नदी में 7 मात्रा में एक 15 साल की लड़की है जिसकी अज्ञात लाश मिली थी, जिसको पीएम रूम में रखवाया गया है और मर्ग कायम करके रखा है। उसके बाद उसके परिजन आए हैं जिन्होंने पहचान की है। उसकी लड़की राजेश्वरी निवासी निसरपुर की पाटीदार है, जो दिनांक 16 तारीख से गुम है। इसकी रिपोर्ट निसरपुर चौकी में की गई थी। इसकी लाश कल प्राप्त हुई और उसकी पहचान करके मर कायम करके जांच में लिया गया है। इसकी जांच की जा रही है। आरोप भी लगा रहे हैं सर परिजन? आरोप लगा रहे हैं, अभी प्रकरण दर्ज है, उसकी जाँच की जा रही है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।